जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, मैं अभय राठौर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कवर्धा में अब ये उर्मिला दीदी कौन से ग्रह से आया जो 14.7 सेकेंड में 200 मीटर को निकाल कर पूरे जगत में धन्य कर दिया। दोस्तों, यदि हम बात करें 14 सेकेंड में तो 100 मीटर भी आजकल दौड़ा नहीं जा पा रहा है अच्छे अच्छे लड़कियों से, लेकिन ये कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, उसेन बोल्ट ने पुरुषों के 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड 19 कुछ पॉइंट में इसको 7 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें तो ये जो 19 सेकेंड का रिकॉर्ड है हुसैन बोल्ट का, इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन आखिरकार इस छत्तीसगढ़ में 200 मीटर रनिंग में आखिरकार ये क्या हो रहा है? दोस्तों, यदि मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड की 200 मीटर रनिंग में हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। देख सकते हो दोस्तों, 19.19 दिया गया है 200 मीटर रनिंग में, और इधर 200 मीटर रनिंग में 19.6 दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप में इसका कोई गलती नहीं है। कहने का मतलब, आप लोगों का कोई गलती नहीं है इस फिजिकल में। देखिए, ज़रूर कहीं ना कहीं सिस्टम और उस मीटर या कहीं ना कहीं लापरवाही हो रहा है विभाग द्वारा। तो आप जब भी फिजिकल दिलाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोच समझ के जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको मेहनत से धोखा हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने इतना मेहनत किया है और वहाँ जाके आपका 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ धोखा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, आप एक बार ज़रूर इसका जाँच पड़ताल कर लीजिए, वहाँ नियम समझ लीजिए आखिरकार कैसा मीटर चल रहा है, कहाँ से नहकने पर कितने मिनट सेकेंड आ रहा है, पूरा आप ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपने खूब सारा मेहनत किया, वहाँ जाके आप दोस्तों फेल होके आ जाते तो कोई मतलब नहीं है। ज़रूर एक बार आप बात करके